अदक्रीकमि कंस कुंभ पात्र कुशा करणी स्वन व्ययस्य। यहाँ कहा था कमी के द्वारा ही जब कंस को ग्रहण कर सकते हैं, फिर वे कंस को अलग पृथक जो ग्रहण के ज्ञापन कर लुणादे अव्युत्पन्नानि प्रादिपदानि भवन्ति। ये परिभाषा 23वीं परिभाषा है। अर्थ करे प्रतिकार अकाराद उत्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यम सकारादेशस्यात् करोत्यादिषु परेषु। अकाराद उत्तरस्य अवर्णांत से परमे होनी चाहिए, इन अव्यय का नहीं हो, ऐसा जो विसर्ग है उसको समास यदि हुआ हो तो नित्य ही सकारश हो जाता है। कब? क्री धातु, क्री मने क्री धातु का कोई भी रूप परमे रहते हुए करोत्यादिषु परेषु। न तो उत्तर पदस्य अनुत्तर पदस्य भी जुड़ गया, तो उत्तर पद में से तो यही शब्द तब सत्व नहीं होगा। अयस्कार अयस्कार अयस्काम अयस्कंसा अयस्पात्रम अयस सहिता कुशा इति अयस्कुशा अयस्करणी के रूप। अतः किम अकार समय क्यों का गीहकार गीतकार। यहां पर दीर्घकार है, अवर्ण से परम विसर्ग नहीं है, दीर्घकार से परम विसर्ग है। अनवय से किम अनवय क्यों कहते हो? स्वः कामः स्वः कामः स्वर्ग है, स्वर्ग की कामना करने वाला स्वर है ना अव्यय, स्वर अव्यय है, उस अव्यय को विसर्ग हुआ है, इसलिए यह विसर्ग अव्यय का विसर्ग होने के नाते यहां पर नहीं हुआ। स्वः कामः समास है किम यशा करोति, यह वाक्य समासकारी नहीं है यहाँ। इसे यद्यपि अवर्ण से परमे भी है विसर्ग, परमे कवर क्री धातु को भी है, उसके बावजूद विसर्ग को सत्व नहीं हुआ। अनुत्तर पदस्य किम अनुत्तर पदस्य किम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने परम यशकार परम यश को करने वाला, परम यश को करने वाला, श्रेष्ठ कार्य को करने वाला। यहाँ परम यश समास हो रखा है, उसमें यश पद क्या उत्तर पद है, उस यशस जो उत्तर पद है उसमें से सकार विसर्ग हुआ, इसे उत्तर पद से सकार होने के नाते विसर्ग को सकार आदेश नहीं हुआ। सकार विसर्ग होगा, विसर्ग फिर सकार नहीं होगा। अधशिरसी पदे अधशिरसी प्रथमा का द्विवचन, पदे सप्तमी का एक वचन। हाँ प्रथमा ही तो लेंगे ना, षष्ठी अर्थ में प्रथमा हुई है तो प्रथमा का द्विवचन, षष्ठी अर्थ में प्रथमा पदे सप्तमी के वचन। ये तो विसर्ग से सादेश पद शब्द परे अधस शब्द और शिरस शब्द, इन दोनों पदों के अवयभूता जो विसर्ग है ना, इन दोनों पदों के अवयभूता जो विसर्ग, उस विसर्ग के स्थान पे सकार आदेश होता है। कब? पद शब्द के पढ़ते हुए अधस पदम शिरस पदम समास इत्येवा, ये भी समास में ही लागू होता है, इसलिए अध पदम जब समास नहीं हुआ है वहां लागू नहीं होगा, विसर्ग रह गया। शिरा पदम अनुत्तर पदस्य इत्येवा, और उसका भी अनुवृत्ति होगा अनुत्तर पदस्य परम शिर पदम कस्काद शुचो। ये सूत्र है याद दिला रहे क्रम से 47 के बाद 8-3-47 के बाद में 8-3-48 है कस्कादिशु च, इसे क्रमवशात याद दिला दिया केवल, उसके एक रूप ही दिखा रहे भास्कर। कसगारी गाने पड़े शब्दों को विसर्ग को अवर्ण से परम जो विसर्ग है उसको सकार हो जाता है, उसे भिन्न से परम विसर्गों को मूर्धनि सकार होता है। इस प्रकार के आपके विसर्ग संधि प्रवरण भी पूरा हो रहा है। यहाँ तक की टीका देखिए, अधक्री कमी अधि पंचमी विसर्जन सी थी नित्यम समासे अनुत्तर प्रसिद्धि चानुवर्तते तदाह अकाराद इत्यादि अयस्कार कुप्पो इति बाधित्वा सत्वम एवं अग्रे सभी में अयस सहिता समाधिकारे अयसो विकार इति नोक्तम। अयसो विकार इति ऐसा न कर करके अयस सहिता ऐसे क्यों कह रहे हो? कदे जन जानपद इत्यादि ना गीश प्रसंगात गीश न होवे इसके लिए अयस करणी थी अय इव करणो यस्या इति। लोहे के समान कान जिसके औरत के उस औरत को कहते हैं अयस करणी। नासिकोदित्य से गीशवा अधशिरसी
ಅನುಸರಿಸೀತಿ ಷಷ್ಠ್ಯರ್ಥೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸೇತಿ ಸಾಹಿತಿ ಚ ಅನುವರ್ತತೆ ತದಾ ಏತೆಯೋರಿತಿ ಕುಪ್ಪೋ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಪವಾದ ಅಧಸ್ಪದಮಿತಿ ಪದಸ್ಯಾದ ಇತಿ ಪದಕಜೋ ನಿಚ್ಚ ಮಯೂರ್ ವೆನ್ಸ್ಕಾಯ್ತ್ವಾ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಯಾ ಪಿರೋ ನಾ ಅಧಸ್ ಪಿಛೆ ಚಲಾಗ್ಯ ಪದ ಆಗ್ಯ ಶಿರಸ್ಪದಂ ಶಿರಸ ಪದಮಿತಿ ವಿಗ್ರಹ ಸೌತ್ರ ಕ್ರಮ ಅನುರುದ್ಧ ಪುನರಾಹ ಸೂತ್ರಗತ ಕ್ರಮ ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ ದೋಬಾರಾ ಈ ಸೂತ್ರ ದಿಖಾ ರೇ ಕಸ್ಕಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾದ ದಿಲಾ ರೇ ಭಾಸ್ಕರ ಇತಿ ಅದೈತಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಧ ಕ್ರೀಕಮಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದೈತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೆ ಯಾ ಅತಃ ಕ್ರೀಕಮಿ ಭಾಸ್ ಏನ ಭಾಸ್ ಅತ ನೀ ತಪರ ನೀ ದೀರ್ಘ ಇಯೇ ಇಸಿ ವಜೆ ಜೊ ಯಾ ಸೂತ್ರ ನೀ ಲಗೇಗಾ ಇತ್ಯಸ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ತಿ ಸತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯರ್ಥಂ ಕಸ್ಕಾದೋ ಭಾಸ್ಕರ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪಾಠಿತಿ ಭಾವ ಸತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರಾನೆಗೆ ಹಿ ಕಸ್ಕಾಧಿಕಾಲಮೇ ಭಾಸ್ಕರ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಲಿಯಾಗಯ ಹೇ ಅಥ ಸ್ವಾಧಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಥ ಸ್ವಾಧಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಥ ಅನಂತರ ಅರ್ಥ ಮೇ ಸೂಹೆ ಆದಿ ಮೇ ಜಿಸ್ಗಾ ಸ್ವಾಧಿ ಹೇ ಸ್ವಾಧಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜೋ ಸಂಧಿ ಸ್ವಾಧಿ ಸಂಧಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಅರೆ ಐಸೆ ಸಂಧಿಯೋ ಕಾ ಜೋ ಪ್ರಕರಣ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಸ್ವಾಧಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ ಕಹತೆ ಹೈ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ ವಿಪೂರ್ವೋ ಧಾಕರೋತ್ಯರ್ಥೆ ಅಭಿಪೂರ್ವಸ್ತು ಭಾಷಣೆ ಸಂಪೂರ್ವಶ್ಚಾಪಿ ಮೇಲನೆ ನೀ ಪೂರ್ವೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತಃ ಸ್ವಾದಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಮುಪಸರ್ವ ಧಾತುಸೆ ಮೇಲನ ಅರ್ಥ ಹೋತ ಪ್ರಕರಣ ಇಸ್ಕಾ ವಿಲಕ್ಷಣ ಯಾದ ಹೈ ಪ್ರಕರಣ ಕಾ ಸೌಜಸ್ಮೋಟಿ ಸುಪ್ರತ್ಯಯ ಶಿವಸ್ ಅರ್ಚ್ಯ ಇತಿ ಸ್ಥಿತೆ ಸೌಜಸ್ಮೋರ್ಚ ಸ್ಥಾಪ್ಯಂತೆ ಸೂತ್ರ ಕಾ ಸುಪ್ರತ್ಯಯ ಲಿಜಿ ಶಿವಸ್ಧನ್ ಅರ್ಚ್ಯ ಶಿವ ಶಬ್ದ ಸುವಾಯ ಸುಖ ಸಕಾರ ಬಚ ಉಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ ಚಲಾ ಗ್ಯಾ ಶಿವಸ್ ಅರ್ಚ್ಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಆಪ್ನೆ ಸ ಸಜುಷೋ ರುಹು ಲೋಗ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಸ ಸಜುಷೋ ಐಸಾ ಸ ಸಜುಷೋ ರುಹು ಪದಾಂತ ಸಸ್ಯ ಶದುಷ್ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಚ ರುಹುಸ್ಯ ಪದಾಂತ ಮೇ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಕಾರ ಔರ್ ಸಜು ಶಬ್ದ ಕಾ ವೇಗ ಹೋತಾ ಜೋ ಸಕಾರ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ರುಹು ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಜಸ್ತ್ವಾಪವಾದ ಪ್ರಾಪ್ ಜಲಾಂ ಜಸಂತ ಜಸ್ವತಾ ಉಸ್ಕೋ ಅಪವಾದ ಕರ್ಗೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಸಬ್ಕ ರು ಕರ್ ದಿಯಾ ರು ಕೋ ಊ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಸೂತ್ರ ಲಾ ರೇ ಅತೋ ರೋರ ಪ್ಲುತಾದ ಪ್ಲುತೇ ಅದಾ ಪಂಚಮಿ ರೋ ಷಷ್ಠಿ ಅಪ್ಲುದಾ ಪಂಚಮಿ ಅಪ್ಲುತೆ ಸಪ್ತಮಿ ಅಪ್ಲುತ್ತಾದ ಅತ ಪರಸ್ಯ ರೋ ಷಷ್ಠಿ ಲೇನ ರೋ ಷಷ್ಠಿ ರೂ ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಮೇ ಹೋಗ ಅಪ್ಲುತ್ತಾದ ಅತ ಪರಸ್ಯ ರೋ ಊಹುಸ್ಯ ಅಪ್ಲುತೆ ಅತ ಪಂಚಮಿ ಏಕ ವಚನ್ ರೋ ಷಷ್ಠಿ ಏಕ ವಚನ್ ಅಪ್ಲುದಾತ್ ಪಂಚಮಿ ಏಕ ವಚನ್ ಅಪ್ಲುತೆ ಸಪ್ತಮಿ ಏಕ ವಚನ್ ಅಪ್ಲುತ ಪರಸ್ಯ ರೋ ರೋ ಸ್ಯಾದ್ ಅಪ್ಲುತೆ ಅತಿ ವೃತ್ತಿ ಭೋ ಭಗೋ ಅಗೋ ಅಪೂರ್ವಸ್ಯೋ ಶೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಯತ್ವಸ್ಯ ಅಪವಾದ ಉಸ್ಯ ಕೋ ಅಪವಾದ ಕರ್ತಿ ಔರ್ ಯೇ ಊ ಕರ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿ ಋತ್ವ ಸಸಿದ್ಧತ್ವಂತಂ ನ ಭಾವತಿ ಕೋಯ್ ಕಹ ಸಕ್ತಾ ಉತ್ತು ತೋ ಛ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ನಾ ಛಟಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಛ ಏಕ್ 113 ಔರ್ ಸ ಸಸರು ತೋ ಆಠ ದೋ ತ್ರಿಪಾದಿ ಕಾ ಹೈ ಸಪಾ ಸಪ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪಾದಿ ಸಿದ್ಧ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ರೂ ಹೀ ನಹೀ ರಹೇಗಾ ಉಸ್ಕೋ ಕೌನ್ ಕರೇಗಾ ವೋ ಕೈಸೆ ಕರೇಂಗೇ ಆಪ್ ಇಸ್ ಸೂತ್ರ ಸೇ ಇಸಿಲಿಯೆ ಉತ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಋತು ಕೋ ಅಸಿದ್ಧ ಕಹಾ ಗ್ಯಾ ಅಸಿದ್ಧ ಜೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಸೂತ್ರ ಸೇ ಪುರದರ ಸಿದ್ಧಂ ಸೇ ವೋ ನಹೀ ಮಾನ ಜಾಯೇಗಾ ಕ್ಯೋ ಋತು ಕೋ ಅನುವಾದ ಕರ್ಕೆ ವಿಧಿ ಕಿಯಾ ಹೈ ತ್ರೈಪಾದಿ ತ್ರಿಪಾದಿ ಮೇ ಭೀ ರೂ ಕೋ ಅನುವಾದ ಕರ್ಕೆ ರೂ ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಮೇ ಊ ಕ ವಿಧಾನ ಕರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವ ಜ್ಞಾಪನ ಕರ್ ದಿಯಾ ಋತ್ವ ಉತ್ವಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ಮೇ ಅಸಿದ್ಧ ನಹಿ ಹೈ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತಸ್ಯ ಅಸಿದ್ಧತ್ವ ಅಂತ ನವತಿ ಕ್ಯೋ ವೃತ್ತ ಅನೂದ್ಯ ಉತ್ತುವಿದೇ ಹೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಋತ್ವಕ ಅನುವಾದ ಕರ್ಕೆ ಹಾ ಉತ್ವಕ ವಿಧಿ ಕಾ ಕರ್ನೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇ ಬಾ ಜ್ಞಾಪನ ಹೋಗ ತೂ ಹೇ ವಾ
उसे प्रत्युपोषण प्राप्त हो गया। प्रथमयो पूर्व सवर्ण प्रथमयो सृष्टि का विवेचन पूर्व सवर्ण प्रथमा का एक वचन अख प्रथमा द्वितीय और अचि परे पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश अक से परमे प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच के पर रहते हुए पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश होता है इति प्राप्त है। अगा प्रथमा द्वितीय और अच्छी परे प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच के पर रहते हुए अच्छी का विशेषण बन रहा है ना प्रथम द्वितीय का अच्छी पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश हो जाता है इति प्राप्त है। इसलिए प्राप्त हुआ ये वो है ना प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच्छा और वो क्या है आपका शिव अकार रूपी अक्ष से परमे है इसे और वो के बीच में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश होना चाहिए इति प्राप्ते तब क्या कहेंगे नादिची निषेध कर देंगे अवर्णादिची परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ से अवर्ण से इच्छे पड़ते हुए पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादश नहीं होगा न आत इची तीन पद है न पे है आत पंचमी क्वेश्चन है इची सप्तमी का क्वेश्चन है अवर्णादिची परे न पूर्ण सवर्ण दीर्घ पुरुषण तीर्थ जो प्राप्त था वह नहीं होगा फिर क्या होगा आदगुण आदगुण हो गया और वो में गुण वो शिवो अर्च था व्यंग पदार्थ थी शिवोर्च अतः तपर किम अतोर प्रदात प्रते इस सूत्र में तपर क्यों कर दिया था अत किम देवात्र अतिथि अति में भी तपर क्यों कहा दीर्घ हो गया परमे अप्लुता किम अप्लुता का पंचमी ये सुश्रोता अत्र स्नाही यानी प्लुतया प्लुत असिद्धत्वाद अत परोयम प्लुत असिद्ध होने के नाते अत से परमे तो जरूर है अप्लुता विशेषण हेतु और अप्लुता से विशेषण देने पर तत्सामर्थ्य ना सिद्ध उसकी सामर्थ्य से वो असिद्ध नहीं माना जाएगा तपर्ण करने से तो न सामर्थ्य उस स्थिति में फिर तपर्ण करना व्यर्थ हो जाएगा कोई जरूरत नहीं दीर्घ निवृत्ति अचरितार्थता दीर्घ निवृत्ति से ही चरितार्थ हो गया अप्लुते इति किम अप्लुते विशेषण यहां भी क्यों दिया सप्तमी में अति का तिष्ठतुपय अग्निदत्त परम प्लुत है किसे प्लुत हुआ यहाँ पर गुरु रंडृत सूत्र संख्या देना इसमें 87 97 97 सूत्र पढ़ने देखा है पृष्ठ संख्या 110 गुरु रंडृतो अनंत्यप्येक प्राचा इसे प्लुत हो रखा है इसलिए यहां पर नहीं हुआ। यहां तक की टीका देखिए सशोरोहित इच्छेद रोहित रेफलोपा सच सजुश्च इति सजुषो तयोर इति विग्रह रुविद उकारित तत्फल तो अनुपदम विवक्ष स इति सकारो विवक्षिता अकार उच्चारणार्थ स में जब पदस्य इत्यधिकृतम सकारेण सजुष शब्देन च विशेषते अतः तदंत विधि येन विसंत से हो गया सकारांतम सुशब्दांत यत पदम तस्य रूप स्यादिति भाव सच अलंत से अंत्य से होती से अंत्य जो सकार है शकार है उन्हीं को प्राप्त होगा तथा सफलित सफलितार्थ का जो पदांत सस्य इत्यादि के द्वारा सजु शब्दांतम यत पदम तदंत शकार से इत्यर्थ या सकार से बोलेंगे वह शकार से बोलेंगे ततश्च सजुषौ सजुषः इतर शकार से न रुत्तम ये पदांत शकार नाम से रुत नहीं हुआ पदांत तत्व भाव सजु शब्दांतम यत पदम विधि तदंत विधि ना परम सजुरित्यत्र न व्याप्ति ही सजु शब्दांत जो पद ऐसे कहने से तदंत विधि हो जाने मात्र से आप हिम्मत करना परम सजु इत्यादि जो उत्तर पद में पहुंच जाए तब ये सूत्र नहीं लगाना चाहिए वहां पर कार्य होना चाहिए कत ऐसे नहीं मत वहां भी अनुत्तर पद से लग जाएगा तदंत विधि ना परित्यत्र न व्याप्ति वहां व्याप्ति दोष नहीं रहेगा न च सजुष इत्यत्र अव्याप्ति
फिर केवल सूची में लेने लागू होगा, ऐसी भी आशंका मत करो कि व्यपदेश तत्व कर लेंगे। व्यपदेश भाव क्या है? आद्यंतवत एकस्मिन, एक से वो आदिवत भी हो जाएगा अंतवत भी हो जाएगा। एक देवदत्ता सैव ज्येष्ठ सैव मध्यव सैव कनिष्ठ, आद्यंत एक भी एक आदिवत भवती अंतवत भवती। व्यपदेशोद्भाव अप्रातिपदिकेन इति और ग्रहणवता प्रातिपदिकेन दंत विदीर्ण इति च परिभाषाद्वयम् प्रत्यग्रहणे यस्म इति विषयमेव। वो केवल वहां जाएगा अलंत समय नहीं आएगा। व्यपदेशोद्भाव अप्रातिपदिकेन ये प्राजेय जो परिभाषा और ग्रहणवता प्रातिपदिकेन दंत विदीर्ण ये जो परिभाषा दोनों के दोनों प्रत्यग्रहण तदंत तदादर दंत विधि है ना, वहीं पर लागू होता है। न तो से सूत्र से होने वाले में ये लागू नहीं होते हैं। कैसे मालूम हो गया? यदि असमास इष्कादिभ्य सूत्र भाष्य स्पष्ट, असमास इष्कादिभ्य सूत्र के भाष्य स्पष्ट। न तो शिवसिति सकार से जलांज शंति जस्तुन दकार से, शिव से सकार को दकार हो जाएगा, रू कहने का अवसर ही नहीं मिलेगा, ऐसे मत कहो। जस्तम प्रति रुत्व से प्रत्यपि असिद्धत्वात्, जस्त के प्रति रुत्व पर होने के बावजूद भी असिद्ध माना जाएगा जस्त। क्यों? इतिता जस्त अपवाद इति, क्योंकि जस्त का अपवाद नहीं तो जस्त का रू का अवकाश कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह जस्त आ जाएंगे। ये न क्या है वो ये ना प्राप्ति ये विदरारूपित सतसलाभवाद अवश्यम प्राप्ति है यहाँ। तथा च ऋत्वस्य निरवकाशत्वात् नासिद्धत्वमिति भाव, निरवकाश होने के नाते उसका और कोई अवकाश नहीं था अन्यत्र, इसे उसका अपवाद मान लेते हैं, आते वो असिद्ध नहीं हो सकेगा। तदुक्तम भाष्य पूर्वत्र असिद्ध नास्ति विप्रतिषेधो अभावात् उत्तरस्य, पूर्वत्र असिद्ध में के विषय में विप्रतिषेधो यदि होता है नास्ति, अब विप्रदेशो विप्रतिषेधो नास्ति, विप्रषेध परम कार्य लागू नहीं हो सकता। क्यों? पर वाला है ही नहीं तो विरोध कहाँ है? दोनों होंगे तब न विरोध होगा। विप्रषेधे परम कार्य ऐसे आप त्रिपाद में लागू नहीं कर सकते। क्यों? पूर्व के प्रति पर शास्त्र ही नहीं है, जब शास्त्र नहीं तो विरोध कहाँ होगा? तुल्य बल विरोध कहाँ से ढूंढोगे आप? विप्रषेध किसको कहते जा तुल्य बल का विरोध हो, और जब दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है बल कहाँ आ गया, वहां तुल्य बल कैसे होगा? इसीलिए त्रिपादी के अंतर्गत विप्रषेध परम कार्य लागू नहीं होता। इति अपवादो वचर प्रामाण्यादिति च, इन दो के आधार पर भाषिकार भाषिक में काविंदो वचन के आधार पर बात कही गई है। शिवर अर्चित स्थिति है अतोरोप्लुता उदित्यता उदित्यन वर्तते अदैति पंचमी इंग पदांत आदित्यतः अदित्य च अनुवर्तते, उसको भी अनुवर्ति कर लो। तदा अप्लुता आदित्यादि नत्र उत्तम बाधित्व भो भगो अगो अपूर्व सीति यत्वम परत्वात्, परत्वादि आप यत्व होना चाहिए उत्त को बाध करके। मिच यत्व से सिद्धत्वात् उत्तम निर्बाधम इतना वाच्य, यत्व स्वयं असिद्ध होने कराती उत्त तो होगा ही, ऐसा मत कहो। कृत्य विभुत्वे तस स्थानीयत्वे न, विभुत्व करने के बावजूद भी स्थानीय भाव से फिर ऋत्वाद यत्व से दुर्निवारत्वाद ऋतु दिखाई देगा तो यत्व तो दुर्निवार हो गया, तो नित्य हो गया। कृता कृत प्रसिंग योगी सर नित्य नियम है ना, आप करो ना करो तो भी वो तो ऋतु तो होना ही है, अतएव जो है यहाँ पर नित्य माना जाएगा। और नित्य क्या होता है? पर नित्य अपवाद आना उत्तरोत्तरम बलिया, पर की अपेक्षा से नित्य बलवान हो जाता है। कृतभुत्व स्थानीयत्व ऋत्वाद यत्व से दुर्निवारत्वाद, अतः तब कह दे यत्व का भी इसको अपवाद मानना चाहिए, यत्व से अपवाद। यदि भो भगो अघो यो अशीति अंश उत्तम नापवाद, इस इन क्या पर अपवाद माना नहीं जाएगा, तथापि अपूर्व सीत्यंश उत्तम अपवाद, अपूर्व सी संश में तो उत्त का अपवाद ही माना जाएगा। कि प्राप्त एव अपूर्व रोर्य अपूर्वक अपूर्वकस्य रोर्यत्वे अतो रोरुप्लते इति अस्य आरंभा, प्राप्ति एव अपूर्वकस्य रोर्यत्वे
आवरण पूर्वक रू को यत्र प्राप्त होने पर भी इसको जान बुझ के आरंभ क्यों किया है, आरंभ सामर्थ्य का अपवाद कर देगा। नन उत्तम प्रति रोग असिद्धत्व कथम उत्तम तस्य ऋत्व, उत्तम के प्रति ऋत्व असिद्ध होने के नाते वह कैसे उत्तम हो जाएगा, ऐसे मत कहो उत्व को प्रति वह असिद्ध नहीं होगा कि उत्त नहीं, ऋतु का अनुवाद करके उत्तु का विधान किया गया है, ऋतु को अनुवाद करके उत्तु का विधान करने के सामर्थ्य से शिव वो अर्चित स्थित है, शिवा वो अर्च स्थित प्रत्येक पुरुषवर्ण आकाशवर्ण दीर्घ इतः अकाईति एक अचित वर्तते है एक पूर्व प्रयोग प्रथम रीति अवयव षष्ठी अवयव षष्ठी अवयव अर्थ में षष्ठी हुआ है प्रथमा द्वितीय हो प्रथमा द्वितीय के अवयव ऐसा आप देना पड़ेगा, अवय भूता जो संबंधी भूता जो अच्छे उसके प्रति ऐसा शिव वो इत्यत्र प्रथमा द्वितीय सुविभक्ति विभक्षित है या प्रथमा द्वितीय इन दोनों शब्दों से सुविभक्तियों ही इष्ट है, तदा इसी बात गमन में रखते हुए तदा अक प्रथम इत्यादि ना प्राप्त है शिवो इत्यत्र शिवो इत्यत्र अकार से उकार च स्थाने पूर्व सवर्णो आकारे अकार और उकार के पूर्व सवर्ण आकार आदि होना प्राप्त था प्राप्त इत्यर्थ नादिचि न आदिति छेदा आदिति पंचमी पूर्व सवर्ण इति अनुवर्तते इत्या तदा अवर्णादि अनेन शिवो इत्यत्र पूर्ण सुदीर्घ विच्छेदस्य क्या होगा आदगुण शिव उसे आदगुणित गुणम बाधित्वा पुरुषवर्ण दीर्घे प्राप्त तस्मिन् अपि निषिद्धे गुण को भाग्य पहले पुरुषवर्ण प्राप्त उसको भी आदित्य निषेध कर दिया, अतः क्या हो गया वो जो उत्सर्ग वापस लौटाया निवृत्ते गुण पुनरुन्मिषति गुण जो है दो बार आगे खड़ा हो गया, इसके न्याय देवदस्य अंतरि हते देवदस्य न पुनरुत्थानम देवत से ना बनो जब देवत जन्म देवत को मारने वाले को अपने मार दिया तो देवत जिंदा हो जाएगा क्या है? कैसे जिंदा हो जाएगा देवत तो देवत तो किसने मार के आ गया और उसको आपने मार डाला, इस तरह से देवत जिंदा नहीं होता। फिर आपने कैसे कर दिया गुण को मार दिया था किसने प्रत्येक पुरुषों में नहीं हो उसको मार दिया किसने अभी नाजी छीन तो क्या वो कैसे आगे दोबारा लौट के आता गुणा जिंदा हो गया अर्थ बदलेंगे थोड़ा इस न्याय को देखिए देवदस्य अंतरे हते देवदस्य न पुनर्विजनम विधि न्यायस्तो नात्र प्रवर्तते किंतु देवदस्य हते सती तद अंतुरहनने देवदस्य न पुनर्विजनम इति तदर्थः कि देवदत्त का मर जाने के बाद उसको मारने वाले को मारने से देवदत्त का पुनर्जन्म नहीं हो सकता इति तदर्थः इसलिए देवदत्तम हन्तुम उद्युक्तस्य हनने तो अर्थ बदल दिया देवदत्त को मारने के लिए आगे हो ही रहा था मारा नहीं मारने के लिए तैयार हुआ है इतने में आप उसको मारा तब देवदत्त को कुछ नहीं होगा देवदत्तम हन्तुम उद्युक्तस्य हनने तो देवस्य उन्मेषो अस्त्येव देवदत्त को उन्मेष तो होगा ही प्रकृते च पूर्ण श्रवण दीर्घेन गुणो न हतः पूर्ण श्रवण दीर्घ के द्वारा गुण का किसी प्रकार से जो है हनन नहीं हुआ था, अतएव ऐसा जो पुरुषवर्ण दीर्घ को हमने क्या कर दिया नाजी से मार डाला तो इसलिए आदगुण वापस लौटेगा ही प्रकृति तो पुरुष दीर्घ न गुण न हत किंतु हनन उद्यम सजातीय प्रसक्ति मात्र हनन के समान जातीय मानो या सूत्र के हनन कर क्रिया कहा होगी सूत्र में इसे उसके प्रसक्ति मात्र को यहाँ पर प्रवृत्ति कहा जाएगा पुरुषवर्ण दीर्घस्य सुतां प्रसक्ते च तस्मिन् निषिद्धे गुणो उन्मेषो निर्बाधेव इसीलिए प्रकृतण में उस प्रत्यपुरुषवर्ण दीर्घ को ही यदि निषेध कर देना आदि से आपने फिर तो अवश्य गुण का उन्मेष हो जाएगा इति स्वादिशु इति सूत्रे कैयट्टे स्पष्टम स्वादिशु असर्णाम स्थाने इस सूत्र में कैयट्टे स्पष्ट कहा है अपवादे निषिद्धे उत्सर्ग स्थिति नियम
एक और नियम से भी हो सकती है, यहाँ अपवाद को निषेध कर डालो तो सर तो स्वयं वापस लौट आता है। इति न्यायश्च एतन मूलक एव, यह न्याय भी उक्त युक्ति के मूलक ही है। तौ सत् विद्योद्यौ नदे इत्यादि निर्देशाश्चात्र अनुकूला इत्यादि। तो तौ सत् में तौ रूप बना कैसे, ये पूर्ण दीर्घ को अपवाद कर देते हैं तो तौ सत् कैसे बना। विद्योद्यौ नदे इत्यादि निर्देशाश्चात्र अनुकूला इत्यादि, अनुकूल हो जाता है। इंगप्पदान्दादती शिवर्चितिते ओकारस्य अकारस्य स्थाने पूर्वपम ओकारस्य पूर्वपोकारस्य हो गया।